और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने सड़क सियासत तेज करने का फैसला कर लिया। बनीगाला में पार्टी तर्जमानों की बैठक में मुल्क भर में जलसों का फैसला कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि जब तक अदालत किसी को झूठा करार ना दे उसकी नाअहली नहीं हो सकती। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान ने बनीगाला में पार्टी तर्जुमानों की बैठक लगाई। मुल्की सियासी सूरतेहाल, पार्लिमानी उमूर और शहबाज गिल केस पर मुशावरत, मुल्कगीर जलसे जुलूसों का फैसला कर लिया गया। जलसे अभी फौरन शुरू हो रहे हैं और जलसों के साथ साथ आप देखेंगे कि और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी आपको नजर आएगी। बाबर आवान ने कहा 25 मई वाकयात के जिम्मेदारान को छोड़ेंगे नहीं। जो प्रोसेस है इत्तेसाब का पंजाब के अंदर 25 मई के हवाले से, उसको तेज करने के लिए फैसला किया गया, इसलिए कि जिन्होंने वर्कर्स के घरों के ऊपर छलांगे मार के अंदर घुसे थे और आइन तोड़ा था, कानून तोड़ा था, वो अकाउंटेबल करना है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था ममनुआ फंडिंग केस में हुकूमत कोई डिक्लेरेशन जारी नहीं कर सकती, जब तक अदालत किसी को झूठा करार ना दे उसकी नाअहली नहीं हो सकती।